आज मैं आप सबको पांच ऐसे रीजंस या चैलेंजेस बताऊंगा जिसे हर एक मिडिल क्लास बंदा फेस करता है अपनी जर्नी टू मूव फ्रॉम मिडिल क्लास टू रिच क्लास, और इस सबसे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ईसा अंबानी ने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है और उनकी एक्सपेक्टेड मंथली इनकम है ₹35 लाख पर मंथ एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट। उनकी नेट वर्थ है $100 मिलियन। आकाश अंबानी ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन हैं और साथ ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आकाश अप्रोक्सीमेटली ₹45 लाख पर मंथ अर्न करते हैं, अराउंड 4.5 करोड़ एनुअली विथ नेटवर्थ ऑफ $40 बिलियन। अनंत अंबानी भी ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और साथ ही हेड ऑफ एनर्जी यूनिट इन द रिलायंस हैं। अनंत अंबानी के नेटवर्थ है $45 बिलियन विच इज इक्वल टू 3,44,000 करोड़। उनके पास वर्ल्ड की मोस्ट कॉस्टली रेयर रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूप है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस ₹8.84 करोड़ से स्टार्ट होती है। अब जिस एज में ईसा, आकाश या अनंत अंबानी बिलियनियर हैं, वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हैं, टॉप बिजनेसमैन के साथ डेली मीटिंग कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी पर इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, बट क्या एक मिडिल क्लास के बंदे को ये सब इस एज में मिलता है? क्या वो सोच भी सकता है कि वो ये सब इस एज में हासिल कर पाएगा? क्योंकि रिच और मिडिल क्लास कभी भी सेम सेट ऑफ रूल से नहीं खेलते हैं। दोनों के लिए अलग दुनिया होती है, अलग पॉलिसीज होती है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आइए कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक मिडिल क्लास बंदे को रिसोर्सेज आसानी से नहीं मिलती है इन कंपैरिजन टू इट्स रिच काउंटरपार्ट्स। अब चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या नॉन फाइनेंशियल। मान लीजिए एक मिडिल क्लास बंदा विथ न्यू बिजनेस आइडिया और अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता है। अब किसी भी बिजनेस की नींव रखने के लिए स्टार्टअप कैपिटल बहुत क्रूशियल होता है और मिडिल क्लास इंडिविजुअल को ये फंड सिक्योर करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उसके पास आइडिया तो है बट कोलेटरल नहीं है और बिना कोलेटरल लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहीं रिच के पास कोलेटरल की कमी नहीं होती है और बैंक उनके पास्ट हिस्ट्री, क्रेडिट वर्दीनेस और एक्सपीरियंस को देखकर आसानी से लोन दे देते हैं। मिडिल क्लास का बंदा फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा होता है, उसके पास कोई हिस्ट्री या ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिससे वो लोन ले सके। वहीं रिच क्लास का बंदा फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है क्योंकि पहले से चल रहा है और उसे बस उसे एक्सपेंड करना होता है। इसलिए कई बार मिडिल क्लास बंदा बूटस्ट्रैप यूज करता है, मींस यूज योर ओन पर्सनल सेविंग्स टू फाइनेंस योर बिजनेस, बट उतना पैसा जुटाने में बहुत टाइम लग जाता है और अगर लॉस हुआ तो सब डूब जाता है, पैसा भी, ड्रीम्स भी और हिम्मत भी। सेकंड, नेटवर्क लिमिटेशंस। वेल्दी इंडिविजुअल्स का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है जिससे उनको मेंटरशिप, पार्टनरशिप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल जाती है। उनका रिलेशनशिप इंडस्ट्री लीडर्स, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों से होता है और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको आसानी से ग्रैब कर लेते हैं यूजिंग देयर नेटवर्क। मिडिल क्लास के बंदे के पास ये कनेक्शन नहीं होता है, वो इस सर्किल तक नहीं पहुंच पाता जिससे उनको जम्प स्टार्ट नहीं मिलता, मेंटर नहीं मिलता जो उनको गाइड कर सके। इन नेटवर्क्स का यूज करके रिच अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो सब देते हैं जिससे वो वहां से स्टार्ट करता है जहां पर मिडिल क्लास का बंदा पहुंचना चाहता है। थर्ड, एजुकेशनल बैरियर्स। एक मिडिल क्लास बंदे को एडवांस बिजनेस एजुकेशन या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं होता है क्योंकि रिक्वायर्ड है फॉर हाई पेइंग जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप जिससे उनको वो स्किल्स, नॉलेज जो चाहिए सक्सेसफुल बिजनेस चलाने को आसानी से नहीं मिलते और उसको गेन करने के लिए उनको ज्यादा टाइम और स्ट्रगल लगता है इन कंपैरिजन टू हिज रिच काउंटरपार्ट। रिच के बच्चे टॉप बिजनेस स्कूल्स जैसे कि हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी पढ़ाई करते हैं और मिडिल क्लास का बंदा वहां से पढ़ता है जहां पे सिर्फ बेसिक एजुकेशन दी जाती है, साथ ही क्वालिटी टीचर्स, अपडेटेड एजुकेशन मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। इससे ये होता है कि उनकी फाइनेंशियल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं हो पाती और कई बार वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन रॉन्ग बिजनेस जिससे उनको बहुत लॉस हो जाता है। अभी रिसेंटली एक स्कैम सामने आया है जहां पर एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लाखों लोगों से उनकी हार्ड अर्न मनी लेते हैं इन द नेम ऑफ मल्टीपल टाइम रिटर्न और लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं विदाउट एनी एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। फाइनेंशियल नॉलेज हमें एम्पावर करता है जिससे हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट देखकर पता कर सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं या सिर्फ फंसा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और स्कैम चल रहा है जहां पर स्कैमर्स मिडिल क्लास को स्कैम कर रहे हैं, उनके साथ लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं। ये स्कैम कुछ ऐसा है, मान लेते हैं एक मिडिल क्लास बंदा है रिकी। इसमें स्कैमर्स सबसे पहले रिकी को सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करते हैं और उसे एक टास्क देते हैं इन लियू ऑफ हाई रिटर्न। वो टास्क बहुत सिंपल होता है जैसे कि रेटिंग ऑफ सम वेबसाइट, रेस्टोरेंट्स या किसी यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना। इसके लिए वो रिकी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पर पहले से 20-25 लोग होते हैं जो रिकी की तरह टास्क करने आए हैं बट वो स्कैमर्स के ही टीम मेंबर हैं और ग्रुप में पोस्ट करते हैं आई गॉट 25,000, आई गॉट 50,000, गिव मी अनदर टास्क एक्सेट्रा।
इनिशियली फॉर फर्स्ट टास्क स्कैमर रिकी से 2000 डिपॉजिट करवाता है और टास्क कंप्लीट होने पर रिकी के अकाउंट में 3000 क्रेडिट भी कर देता है। इससे रिकी इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसकी ग्रीड बढ़ जाती है कि इतना कम एफर्ट्स में अच्छा रिटर्न है। फिर सेकंड टास्क, अब रिकी 5000 डिपॉजिट करता है, टास्क भी कंप्लीट करता है, बट इस बार पैसे नहीं मिलते हैं, इस बार मिलता है अनदर टास्क। स्कैमर रिकी से बोलता है अगला 20000 का टास्क भी करना होगा, तब दोनों के पैसे मिल जाएंगे। रिकी 20000 डिपॉजिट कर देता है, टास्क करता है, लेकिन फिर पैसे नहीं मिले। और जब रिकी बोलता है ही वांट्स हिज मनी बैक, तब तक उसके सारे पैसे जा चुके होते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज हमें इन सब फ्रॉड से बचाता है। फोर्थ, वेल्थ इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक टैक्स स्ट्रक्चर्स, फाइनेंशियल रेगुलेशंस वेल्दी को फेवर करते हैं, ना कि एक मिडिल क्लास के बंदे को। कोविड-19 पेंडेमिक में जब एक मिडिल क्लास का बंदा अपनी जॉब खो दिया, उसकी छोटी कंपनी बंद हो गई, वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग 131 बिलियनियर्स ने अपनी नेटवर्थ ड्यूरिंग पेंडेमिक में डबल कर ली। द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन लुईस विटों के चीफ बर्नार्ड अर्नोल्ड की नेटवर्थ अर्ली 2020 में $60 बिलियन थी और 27 दिसंबर 2022 को थी $159 बिलियन। इलॉन मस्क द वर्ल्ड वेल्दीएस्ट मैन की बिफोर पेंडेमिक नेटवर्थ थी $50 बिलियन और पेंडेमिक के बाद $139 बिलियन। इंडिया के गौतम अदानी की नेटवर्थ उस पीरियड में 10 टाइम्स बढ़ गई थी, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन टू $110 बिलियन एट द एंड ऑफ 2022। अब ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास का बंदा कभी रिच नहीं बन सकता। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां पर मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने के बावजूद बहुत लोगों ने इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ा। रितेश अग्रवाल उड़ीसा के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अपने इनोवेटिव अप्रोच से उन्होंने ओयो को वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन्स इन इंडिया एंड ग्लोबली बनाया। किरण मजुमदार शाह फाउंडर ऑफ बायोकॉन बेंगलोर के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपना करियर ऐसे ट्रेनी ब्रीवर स्टार्ट किया और लेटर ऑन बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आई और फाउंडर ऑफ बायोकॉन बनी। इसके अलावा एनआर नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर, इंदिरा नुई फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको, और भी बहुत हैं ऐसे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, हर चैलेंजेस को फेस किया, स्टेबलाइज्ड नॉर्म्स को चैलेंज किया। इसलिए दोस्तों हमें हार नहीं माननी है, चाहे आज हमारे पास कुछ नहीं है, बट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि समय सबका बदलता है। बस हमें अपना गोल मालूम होना चाहिए और उस रास्ते पे चलना है, अब चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हमें अपने गोल को देखना है और आगे बढ़ते जाना है, हार नहीं मानना है, हर चैलेंजेस को ओवरकम करना है, हम जरूर एक दिन अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।